Dear students of class 9, today we are going to start a new lesson in English. As you can see, the lesson number is 10 and the chapter that we are going to discuss today is The Price of Bananas, written by Mulk Raj Anand. See, Mulk Raj Anand is one of the, he has lived for 99 years, as you can see, between 1905 and 2004. And he was one of the foremost Indian writers who became very famous writing in English. Okay, तो मुल्क राज आनंद के जो famous novels है उनमें कुली, untouchable, the village, ये सारे बहुत famous novels है जिसके अंदर भारत की जो समाज है, विशेषतः भारत की जो गरीब लोग है उनकी जीवन के बारे में मुल्क राज आनंद ने अपनी इन novels में एक बहुत ही बेहतर description दिए हैं. देखो आज जो हम पढ़ेंगे, दिस टेक्स्ट एन एब्रिज्ड वर्जन ऑफ स्टोरी ऑफ द सेम नेम, ये जो आज हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे ये भी मुल्कराज आनंद की एक शॉर्ट स्टोरी है, द प्राइस ऑफ बनानास. ये एब्रिज्ड वर्जन है. एब्रिज्ड वर्जन मतलब लंबा जो स्टोरी और लंबा है उसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पर दिया गया है. सो लेट अस रीड व्हाट द ऑथर सेज इन दिस स्टोरी. देखो ऑथर कहते हैं कि आई वॉज, जो नरेटर है वो कहते हैं कि मैं, आई वॉज ऑन माई वे फ्रॉम फैजाबाद रेलवे स्टेशन टू लखनऊ, अर्थात मैं फैजाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेकर मैं लखनऊ जाने वाला था. आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन हाफ एन आवर इन एडवांस ऑफ टाइम फॉर द ट्रेन्स डिपार्चर, तो ट्रेन छूटने की आधा घंटा पहले मैं प्लेटफॉर्म, मैं स्टेशन पहुंच चुका था. और वहां पर आई सैट ऑन अ बेंच, मैं एक बेंच में बैठ गया और कुछ मंकीज वेर फ्रॉलिकिंग ऑन द ट्रीज. फ्रॉलिकिंग मतलब खेल रहे थे. तो प्लेटफॉर्म में शेड नहीं था, खुला प्लेटफॉर्म था और प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ पेड़ थे और उस पेड़ों के ऊपर कुछ बंदर खेल रहे थे. तो कुछ बंदर खेलते खेलते दे डिसेंडेड नाउ एंड देन, कभी कभार वो नीचे आ रहे थे. यू नो, लोग जो लोग आम खाकर, आम की जो गुठली है उसको आधा चूस कर, जो लोग प्लेटफॉर्म पर फेंके हुए इस तरह की जो खाने हैं वो खानों को लेने के लिए कभी कभार इन लोग पेड़ से उतर कर दे वेर कलेक्टिंग फूड, मैंगो एंड अदर फूड्स, जो लोग खाने के बाद थोड़ा बहुत जो खाना बचा हुआ होता है या जो लोग फेंक देते हैं ऐसी खाना जुगाड़ करने के लिए दिस मंकीज वेर कमिंग डाउन द ट्रीज नाउ एंड देन. तो इसमें देखो जो थोड़ा कम उम्र के बंदर थे वो, बाव मतलब होता है डाली, जो कम उम्र के बंदर थे वो नीम और टैमरिंड पेड़ के ऊपर उन लोग बैठे हुए थे और एकदम तैयार बैठे थे टू जंप आफ्टर एनी फूड दैट मे बी विजिबल, मतलब कोई भी खाना जैसा ही उनको दिखाई देगा वो कूदेगा, ये तैयारी लेकर ये बंदर बैठे थे. तब अचानक क्या हुआ, स्टेशन का बेल बजा. देखो बहुत पुरानी दिनों की बात है, आज जब ट्रेन आती है तो हर स्टेशन में, छोटे छोटे स्टेशन में भी अनाउंसमेंट सिस्टम होता है वगैरह, उस समय इतने एडवांस्ड सिस्टम नहीं थे. एक बेल रखा हुआ होता था और बेल बजने से लोगों को पता चलता था कि ट्रेन आ रहा है. तो तभी प्लेटफॉर्म में, स्टेशन में बेल बज उठा तो हमें पता चला कि ट्रेन आने वाला है. तो ऑथर कहते हैं कि जब ट्रेन आने की घंटी बजा तो मेरा ध्यान बंदरों से हटकर अब ट्रेन पर चला गया, क्योंकि अब मैं सोच रहा था कि ट्रेन जैसे ही आएगा किसी भी तरीके से जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ के मुझे एक सीट जुगाड़ करना पड़ेगा. तो ट्रेन आ गई एंड लकीली ऑथर कहते हैं आई गॉट अ विंडो सीट ओवर लुकिंग द प्लेटफॉर्म, तो मुझे प्लेटफॉर्म, ट्रेन की जिस साइड में प्लेटफॉर्म था उसी साइड में मुझे एक खिड़की की बगल में मुझे सीट मिला. तो खिड़की की बगल में बैठकर मैं बाहर प्लेटफॉर्म देख पा रहा था. तो एकदम गर्मी का मौसम था, इट वॉज फ्रॉम द, और बहुत गर्मी था इसके वजह से हम लोग सब पसीने पसीने हो रहे थे. देखो आजकल जब हम ट्रेन के सफर करते हैं और पानी लेके जाते हैं तो नॉर्मली वी कैरी इन वाटर इन प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, लेकिन जिस समय की कहानी है उस समय प्लास्टिक वाटर बॉटल्स बने नहीं थे. सो लोग क्या करते थे उस वक्त, बहुत पुरानी समय की कहानी है तो इसीलिए लोग उस वक्त क्या करते थे, छोटे छोटे मिट्टी की बनी घड़े में उन लोग पानी लेकर जाते थे जब भी उन लोग सफ़र पर जाते थे. तो ट्रेन रुका था
तो ट्रेन के अंदर से कई पैसेंजर्स उतर आए अपने हाथ में मिट्टी का घड़ा लेकर, और रेलवे स्टेशन में जो वाटर का पंप था उस पंप से वो अपने घरे घड़ा जो है, अपने जो पॉट है, पिचर है, उसको उन लोग भरने लगे। तो अथर कहते हैं, आई वॉज स्ट्रक बाय द जीनियस ऑफ अ मंकी इन स्नैचिंग अवे द लॉयन क्लॉथ ऑफ अ पायस पर्सन हु वॉज टेकिंग ए बाथ अंडर द पंप। तो अथर कहते हैं, तो मैंने एक बंदर की बदमाशी देखकर मैं बहुत चौंक गया। इस बंदर ने क्या किया, एक पायस पर्सन, पायस मतलब जो बहुत पूजा पाठ करता है, तो कोई पंडित जी टाइप की आदमी होगा जो एक लंगोट पहनकर वो रेलवे स्टेशन का जो पंप था, हैंड पंप था, उसमें वो नहा रहे थे। तो अचानक ये बंदर नीचे आया और उस आदमी का खींच के उसका लंगोट चुरा लिया और चुरा के भाग गया। अ ग्रेट डील ऑफ जनरल अम्यूजमेंट वॉज कॉज्ड बाई दिस इंसिडेंट। तो नेचुरली ऐसा जब घटना घटेगा, अम्यूजमेंट मीन्स बड़ा मजा हुआ। तो देखो, जब इस तरह की घटना घटा तो जो लोग इस घटना को देख रहे थे उनको बहुत ज्यादा मजा आया। द बेदर रिक्वेस्टेड द मंकी टू रिटर्न इज लॉयन क्लॉथ। द मंकी वॉज जेनरस एंड थ्रू इट डाउन फ्रॉम द नीम ट्री एट द मैंस फीट। तो ये आदमी जो नहा रहा था उसने हाथ जोड़ के बंदरों से भीख मांगा कि उसका लॉयन क्लॉथ, लॉयन एक्चुअली मतलब होता है शरीर की कमर से घुटनों के बीच का जो इलाका है, दैट इज कॉल्ड लॉयन। तो ये आदमी हाथ जोड़कर बंदरों के सामने गिड़गिड़ाए कि भाई हमारा लॉयन क्लॉथ लौटा दो। तो ये बंदर बड़ा उदार दिल का था, बड़ा दिल का बंदर था, तो उसने नीम की पेड़ से इस आदमी की कदमों के पास उसकी लॉयन क्लॉथ, उसकी लंगोट उसने फेंक दिया। तो ये सब मजाक हो रहा था प्लेटफॉर्म में, ये सब हो रहा था। ऑथर कहते हैं, आई नोटिस्ड अ जेंटलमैन कम अप टू आवर कंपार्टमेंट। तो प्लेटफॉर्म में ये सब जब हो रहा था तो मैंने देखा कि एक जेंटलमैन प्लेटफॉर्म से होते हुए हमारे कंपार्टमेंट की पास पहुंचा। उनको देखकर लग रहा था कि मानो वो एक बिजनेसमैन है। ही वॉज वेयरिंग अ वाइट मसलिन धोती। मसलिन होता है सिल्क जैसा कपड़ा, और ये काफी कीमती कपड़ा होता है। तो ये जो बिजनेसमैन था वो मसलिन का सफेद धोती पहना हुआ था। तो जिस कपड़े का वो धोती पहना हुआ था उससे साफ जाहिर है कि वो काफी अमीर था। अ डेलिकेट ट्यूनिक एंड एम्ब्रॉयडर्ड कैप ऑन हिज हेड। ट्यूनिक मतलब होता है जो पंजाबी के ऊपर या ड्रेस के ऊपर हाफ कोट जैसा जो पहना जाता है उसको ट्यूनिक कहा जाता है। तो नेचुरली डेलिकेट ट्यूनिक, डेलिकेट माने काफी पतला और काफी कीमती, एक काफी कीमती ट्यूनिक भी वो पहनकर रखा था, और सर पे उसका एम्ब्रॉयडर्ड कैप था। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब धागे का डिजाइन वाला। तो सर पे वो जो कैप पहना हुआ था उसमें बहुत खूबसूरत धागे का, यू नो, थ्रेड का डिजाइन बना हुआ था। तो इस आदमी का ड्रेस देखकर ही वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट दिस मैन वॉज अ वेरी वेरी रिच बिजनेसमैन। तो एक पोर्टर, पोर्टर माने कूली, एक पोर्टर उनका लगेज लेकर आ रहा था। उनके लगेज में क्या था, एक बड़ा सा स्टील का ट्रंक, कई सारे छोटे छोटे बास्केट्स, और पानी के लिए ब्रास का बना एक बड़ा सा जग। तो ये मैन पोर्टर के ऊपर चिल्ला रहा था कि जल्दी करो लगेज लेके भाई, जल्दी करो, उसको ट्रेन चढ़ना था ऑब्वियसली। तो अचानक से क्या हुआ, एक बंदर हमारे कंपार्टमेंट के ऊपर, वो बंदर बैठा हुआ था, ये बंदर अचानक कंपार्टमेंट के ऊपर से कूद कर नीचे आया, और ये बिजनेसमैन का जो ये बड़ा खूबसूरत सा टोपी था, कैप था, वो बंदर छीन कर लेकर चला गया। फिर बंदर ने क्या किया, नीम के पेड़ के ऊपर जाके चढ़ के वो बैठ गया। तो बिजनेसमैन वॉज अटरली कंफ्यूज, बिजनेसमैन चौंक गया, ये अचानक से जो हुआ उससे बिजनेसमैन काफी चौंक गया, और वो बंदर की तरफ, बंदर की ओर वो चिल्लाने लगा, व्हाट हैव यू डन मंकी, कि ये बंदर साले तुमने ये क्या कर दिया। हिज राउंड एंड स्मग फेस वॉज कवर्ड विथ परस्पिरेशन। तो ये जो हमारे बिजनेसमैन था वो थोड़ा बहुत, थोड़ा मोटा था, उसका चेहरा एकदम गोल था, एंड उसका फेस, ऑथर कहते हैं स्मग फेस, स्मग मतलब होता है जो चेहरा देखकर पता चलता है
कि ये आदमी बहुत घमंडी है। तो इस बिजनेसमैन का मोटा सा फुला हुआ घमंडी चेहरा अब गर्मी के वजह से परस्पिरेशन यानी कि वो पसीना से उसका चेहरा भर गया था। तो वो एकदम पेड़ की तरफ भाग गया और भागकर अपनी हाथ हिला हिलाकर वो पंप के ऊपर जो पेड़ था, पंप के बगल में जो पेड़ था, उस पेड़ के पास चला गया और बंदर को धमकाने लगा, डराने लगा कि बंदर क्या करे, उसकी टोपी उसे वापस दे दे। लेकिन जितना वो बंदर की तरफ चिल्लाया उतना बंदर डर गया और वो पेड़ की और ऊपर चढ़ता गया। द रिमोटर द मंकी बिकेम मींस मंकी बंदर उससे और दूर चला गया। तो ऑथर कहते हैं कि मैंने नोटिस किया कि ये वही बंदर था जो बंदर थोड़ा देर पहले उस पंडित का लंगोट छीना था। नाउ सी, ये बिजनेसमैन की दुर्दशा देखकर प्लेटफॉर्म में जो लोग थे उनको भारी मजा आ रहा था। दे वेर मच अम्यूज्ड। प्लाइट मतलब दुर्दशा। तो इस बिजनेसमैन की दुर्दशा देखकर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोग थे उनको काफी मजा आ रहा था। दे वेर फाइंडिंग इट वेरी वेरी फनी। ही लुक्ड विद अ पीटियस एंड होपलेस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। देखो अब ये बिजनेसमैन बड़ा होपलेस हो गया, मतलब निराश हो गया। उनको लगा कि उनका टोपी और उनको वापस मिलने वाला नहीं है। पीटियस मतलब एक ऐसा चेहरा जो देखकर आदमी को उस पर तरस आ जाए, दया आ जाए। तो एक एक दुखी चेहरा बनाकर और एक निराश सा चेहरा बनाकर ये बिजनेसमैन यहां वहां देखने लगा। तभी एक फल हॉकर, फ्रूट हॉकर मतलब एक फल बेचने वाला आदमी, वो अपनी छोटा सा ठेला गाड़ी में, लिटिल कार्ट में वो फल बेच रहा था। तो वो गाड़ी को धकेलते धकेलते वो वहां पर आ गया और उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं आपका टोपी वापस लेकर आऊंगा। तो फल वाला जब ऐसे बोला तो बिजनेसमैन वाज स्लाइटली रिलीव्ड, मतलब इस बिजनेसमैन को थोड़ा सा जान में जान आया। द वेंडर वेंट अहेड डैंगलिंग अ कपल ऑफ बनानास एट द मंकी विथ हिज राइट हैंड। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज लेफ्ट हैंड फॉर द कैप। द मंकी सीम्ड टू हेजिटेट। तो वेंडर ने क्या किया, उसने अपनी गाड़ी से दो केला अपनी हाथ में उठा लिया, अपनी दाहिने हाथ में उठा लिया। फिर वो अपनी दाहिनी हाथ बंदर की तरफ बढ़ा दिया जिसमें केला पकड़ा हुआ था और अपनी बाई हाथ टोपी के लिए बढ़ा दिया। तो ऑब्वियसली वो बंदर को क्या सिग्नल दे रहा था कि भाई केला लो और टोपी दो। लेकिन पहले बंदर थोड़ा हिचकिचाया, ठीक है ना। तो इस वेंडर ने क्या किया, कोक्स किया। कोक्स का मतलब क्या है, देखो इट्स गिवन इन योर बुक। कोक्स का मतलब होता है किसी को समझा बुझाकर किसी काम करने में राजी करना। तो ये वेंडर जो था वो आओ 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 नीचे आओ ऐसा बोल के बंदर को नीचे बुलाने का कोशिश किया। वो अपनी हाथ ऊंचा करके केला और ऊंचा कर दिया। तो अब देखो बंदर को ऑब्वियसली केला खाना बंदर को बहुत पसंद है, तो बंदर अपनी लालच को रोक नहीं पाया। तो थोड़ा देर बाद बंदर बड़ा कॉशियसली मतलब सावधानी के साथ वो धीरे धीरे नीचे आया और ये जो फल बेचने वाला था उसके करीब का एक पेड़ का डाली में जाकर, एक उसका करीब का एक डाली में जाकर वो बैठ गया। अब देखो सारा का सारा प्लेटफॉर्म चुपचाप, मतलब वो अपने सांस भी जैसे सांस भी लेना वो भूल गए थे। वो सारे बड़े टेंशन के साथ, बड़े एक्साइटमेंट के साथ उन लोग वेट कर रहे थे क्योंकि सबको लग रहा था कि एक बंदर से टोपी वापस लेना नामुमकिन है। तो ये नामुमकिन काम अब ये वेंडर मुमकिन करने वाला था। तो वो कैसे मुमकिन करता है, कैसे वो सफल होता है इस काम में, ये देखने के लिए सारा का सारा रेलवे स्टेशन बड़ा टेंशन के साथ, बड़ा एक्साइटमेंट के साथ सारा रेलवे स्टेशन इंतजार कर रहा था, देख रहा था कि आखिर होता क्या है। नाउ सी, अब क्या हुआ, तो वेंडर धीमी आवाज में आओ 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 ऐसा करके बंदर को बुलाने लगा। बंदर इस साइड उस साइड देखा
और फिर उसने इस सौदे को मंजूर कर लिया। वो एक हाथ से, दाहिने हाथ में जो केला रखा था वो केला लिया, और सेठ जी का जो टोपी था वो टोपी उसने छोड़ दिया। दाहिने हाथ से वो भी केला लिया, बाएं हाथ से टोपी छोड़ दिया। अब ये टोपी ऑब्वियसली बंदर बहुत प्यार से तो पकड़ा नहीं था, इसीलिए ये टोपी वॉज लिटिल बिट क्रश्ड, थोड़ा भाज खा गया था टोपी, थोड़ा क्रम्पल्ड हो गया था। तो एनीवे बंदर से ये फ्रूट वेंडर टोपी वापस लेने में सक्सेसफुल हो गया। तो सारे जो दर्शक थे, स्पेक्टेटर्स थे, वो वेंडर को प्रेस करने लगा, उसकी वाहवाह करने लगा। तो वेंडर अब बड़ा हम्बली, मतलब नम्रता पूर्वक, विनम्रता के साथ उसने आके सेठ जी को उसका टोपी लौटा दिया, और लौटाकर बोला कि सेठ जी, दे आर हंग्री, सो दे डिस्टर्ब द पैसेंजर्स। तो ये केला वाला आके बोला कि सेठ जी, अब क्या करें, ये बंदर लोग बड़े भूखे रहते हैं, इसीलिए उन लोग पैसेंजर्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो नेचुरली देखो, ये सेठ जी ऑब्वियसली अपनी टोपी से, टोपी खोने पर बड़ा परेशान था, और ये फ्रूट वेंडर ने उसको, उनको टोपी वापस लौटाया था। तो नॉर्मली ऐसी परिस्थिति में कोई आदमी नेचुरली क्या करता, थैंक यू कहता, है कि नहीं। लेकिन ये सेठ जी, अब टोपी वापस मिल जाने पर उसने वेंडर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, वो सिर्फ बोला अच्छा, और ये बोल के वो कंपार्टमेंट के अंदर चले गए। तो वेंडर अब पीछे से कहा, सेठ जी, मुझे वो जो केला जो मैंने बंदर को दिया, उसके लिए जो उस केले का जो कीमत है 2 आना, वो दे दीजिए। तो वेंडर, तो सेठ जी बड़ा गुस्सा हो गया, गुस्सा होके बोला, 2 आना, व्हाट इंप्यूडेंस। देखो, आना मतलब होता है, ये पुराने जमाने में, विशेषतः अंग्रेज जमाने में, हम लोग ये आना का हिसाब करते थे। आना मतलब आज का जैसा खुचरा पैसा होता है, उस समय खुचरा पैसा आना था, और आज जैसे 100 पैसों में 1 रुपया होता था, होता है, उन दिनों 16 आना में 1 रुपया होता था। तो सेठ जी अब बोला, व्हाट इंप्यूडेंस। इंप्यूडेंस मतलब ये आदमी बड़ा रूड आदमी है, देखो इसकी मजाल, मुझसे 2 रुपया मांग रहा है। तो बड़ा डिस्गस्ट के साथ उसने कहा, देखो ये फ्रूट वेंडर बेचारा उस धूप के अंदर इतने परेशानी होकर, इतने मेहनत करके वो फल बेच रहा था, उसके कपड़े, सेठ जी तो एकदम बढ़िया कपड़ा पहन के रखा था, लेकिन इस व्यक्ति का कपड़ा, क्लोथ्स वेयर ग्राइमी। ग्राइमी मींस, देखो एक तो गर्मी में फल बेचते बेचते कपड़ा पसीना पसीना हो गया था, उसके ऊपर धूल जमने की वजह से इस आदमी का जो कपड़ा था वो काफी गंदा हो गया था, तो नेचुरली धूल से ढका हुआ था, तो ऑब्वियसली वो काफी गरीब आदमी था। तो उसने बोला, सेठ जी कृपया मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। देखो बाकी कंपार्टमेंट में जो लोग थे, अच्छा जस्ट 1 मिनट है, मुझे लग रहा है कि कुछ यहां पे प्रॉब्लम है, जस्ट लेट मी लुक एट द चैप्टर फॉर अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके। नाउ सी द रेस्ट ऑफ द कंपार्टमेंट, द रेस्ट ऑफ द कंपार्टमेंट सेड, अच्छा हियर आर 4 आनास फॉर योर यू पोर्टर एंड एन आना फॉर यू फ्रूट वेंडर, सेठ जी सेड। ओके, अब क्या हुआ देखो, तो सेठ जी ने क्या किया, अभी बाकी का जो पूरा कंपार्टमेंट था, वो बाकी का पूरा कंपार्टमेंट में जितने लोग थे, सब सेठ जी से कहा कि सेठ जी क्या कर रहे हैं आप, इस बेचारे गरीब को उसका पैसा दे दीजिए। तो सेठ जी ने क्या किया, उसने पोर्टर को बुलाया जो उसका लगेज लेके आया था, उसको बोला कि ये लो तुम्हारा 4 आना, और फ्रूट वेंडर को बोला चलो अभी एक आना तुम रख लो। तो पोर्टर ने चिल्लाया कि हुजूर, अब दो बड़े बड़े लगेज लेकर आया हूं, सिर्फ 4 आना, ये आप क्या कर रहे हो। तो सेठ जी बड़ा थंडर्ड, मतलब बड़ा गुस्से से उसने पोर्टर को कहा, क्रूक मतलब बदमाश, कहा कि बदमाश जाओ इतना पैसा मांगते हो। तो पोर्टर बिना बहस किए पोर्टर चला गया, लेकिन द फ्रूट वेंडर परसिस्टेड, लेकिन फ्रूट वेंडर नहीं गया, वो अपना मांग जारी रखा। उसने बोला, सेठ जी थोड़ा तो आप न्याय कीजिए मेरे साथ, बी जस्ट, मैं आपका टोपी बचाया। तो बिजनेसमैन ने क्या किया, वो जो 1 आना फ्रूट वेंडर को देने वाला था,
वो फ्रूट वेंडर को प्लेटफॉर्म के ऊपर वो पैसा फेंक दिया। इस बीच गार्ड ने ट्रेन का आगे बढ़ने का विसल बजाया, ट्रेन अब छूटने वाला था और ये फ्रूट वेंडर कंपार्टमेंट की खिड़की से अंदर झांका और वो बेचारा रोता रहा कि सेठ जी हम गरीब लोगों से पैसा चुरा मत चोरी कीजिए। तो सेठ जी बोला जा टेक रेस्ट, मतलब हिंदी में सेठ जी बोला अरे जा आराम कर। तो सेठ जी स्काउल्ड, मतलब बड़ा गुस्सा होकर, सेठ जी बड़ा गुस्से से उसकी तरफ ताक कर सेठ जी बोला जा आराम कर। तो इस बीच ट्रेन चलने लगा, बेचारा फ्रूट वेंडर वो पहले तो ट्रेन के साथ थोड़ा देर भागा और फिर देखो सेठ जी जो खिड़की में बैठा था वो बिल्कुल कंपार्टमेंट की गेट का बगल वाला खिड़की था। तो फ्रूट वेंडर क्या किया, गेट में चढ़ गया और गेट से लटक के वो खिड़की की अंदर से ताकते हुए ही बिगैन प्लीडिंग, प्लीडिंग माने प्रेइंग कि प्लीज गिव मी द रेस्ट ऑफ द मनी। लेकिन सेठ जी क्या किया, बाहर नहीं देखा, वो दूसरी तरफ चेहरा करके चुपचाप बैठ गया। देखो सेठ जी क्या किया, वो इस वेंडर की तरफ नहीं देखा, वो खिड़की के बाहर एक मालगाड़ी जा रहा था, मतलब एक तरफ प्लेटफॉर्म की तरफ खिड़की में ये वेंडर लटक रहा था और दूसरे तरफ का जो खिड़की था उस साइड से एक मालगाड़ी दिखाई दे रहा था। तो सेठ जी क्या किया, वेंडर की तरफ देखा ही नहीं, दूसरे साइड में जो मालगाड़ी दिखाई दे रहा था उसी को वो देखता रहा। तो प्लेटफॉर्म ये जो हमारी कंपार्टमेंट था, जो ट्रेन था, वो पूरा प्लेटफॉर्म को पार कर लिया और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ के निकलने वाला था, बेचारा वेंडर क्या करे, वो कूदकर नीचे आ गया। अब देखो जैसा ही वेंडर चला गया, सेठ जी हम बाकी पैसेंजर्स, ये टर्न राउंड टू ऑल ऑफ अस, मतलब हम बाकी जो पैसेंजर्स थे हम लोगों की तरफ सेठ जी मुड़ा एंड बिगैन टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। जस्टिफाई का मतलब होता है कि जब हम अपना काम का एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसा काम मैंने क्यों किया, इसका जब व्याख्या देते हैं उसको कहते हैं जस्टिफिकेशन। तो सेठ जी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश किया, उसने कहा कि देखो अगर इसको मुझे मदद नहीं करना था मेरी टोपी वापस पाने में, तो उसे बंदरों को केला नहीं देना था, मैंने कहा उसको बोला कि भाई आके हम मुझे मदद करो, मैंने तो नहीं कहा था, वो तो खुद आ गया था, तो उसको अगर पैसा ही लेना था तो उसको नहीं करना था, उसको मेरा टोपी लाने की जरूरत नहीं था, मैं थोड़े ना उसको बोला था कि भाई मेरा टोपी लाके दो। I felt that all the other passengers had sympathy for the poor vendor. तो author कहते हैं कि मुझे लगा कि सेठ जी चाहे जो भी कहे, compartment में जो बाकी सारे passengers थे सबके हमदर्दी vendor के साथ ही था। अब देखो ये सारा जो एक मजाक वाली घटना हुआ कि बंदर आके सेठ जी का टोपी ले गया, ये बंदर ये घटना आखिर में इस घटना की जो घटना की जो खात्मा हुआ, ये घटना जो एंड किया, उस एंड में क्या हुआ, इन ए बिटर सेंस ऑफ ग्रीवेंस अगेंस्ट द रिच बिजनेसमैन हु हैड बीन सो हार्ड टू द जेनरस हार्टेड फ्रूट वेंडर। देखो ये फ्रूट वेंडर ये बिजनेसमैन के साथ कोई बार्गेनिंग नहीं किया कि सेठ जी हम टोपी लाके देंगे, 5 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, वो तो अपने से आगे आ गया, बिना सेठ जी से पूछे वो अपना 2 केला दे दिया और वो सिर्फ 2 केले का दाम ही मांगा था। तो ये जो फ्रूट वेंडर था, जो इतना उसका दिल इतना उदार था, उसके साथ कितना बुरा काम ये सेठ जी ने किया। तो नेचुरली ये पूरा घटना पहले तो ये मजाक वाली घटना था, लेकिन घटना जब खत्म हुआ तो सारे लोगों की मन में ये अमीर बिजनेसमैन की ऊपर एक शिकायत सारे लोगों की मन में पैदा हुआ कि ये साला आदमी ठीक नहीं है। तो ऑथर कहते हैं आई ड्रू अ कार्टून ऑफ सेठ जी एंड शोड माई ड्रॉइंग टू ऑल अदर पैसेंजर्स एक्सेप्ट हिम। तो ऑथर कहते हैं कि मैंने क्या किया, कागज में सेठ जी का एक कार्टून बनाया और वो कागज मैंने सारा पैसेंजर्स को दिखाया सिवाय कि सेठ जी का। तो सारे पैसेंजर्स जोर जोर से हंसने लगा। तो सेठ जी की हाल क्या हुआ, सेठ जी समझ गए कि ये लोग उसी की तरफ हंस रहे थे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। तो सेठ जी का बाकी का जो जर्नी था वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। तो इस तरह से देखो वेंडर को पैसा तो नहीं मिला लेकिन ये पैसेंजर्स ट्रेन के वो
किसी तरह से थोड़ा बहुत उस वेंडर की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ द वेंडर्स, दे वेर एबल टू टेक सम रिवेंज ऑन द सेठ जी फॉर हिज बिहेवियर। तो भाई एक काम करना, तुम लोग ये चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स है, ये क्वेश्चन आंसर्स तुम लोग करके, और ग्रामर पार्ट भी जो है ये करके, यू कैन डू द ग्रामर पार्ट। सो ये ग्रामर पार्ट करके, और एक्सरसाइज 8 में देर इज अ स्टोरी, सो डू द स्टोरी ऑल्सो। सो डू एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 एक्सरसाइज करके, जैसे तुम लोग हमको होमवर्क भेजते हो, संडे शाम के पहले ये होमवर्क मुझे भेज देना। ओके, थैंक यू सो मच।